नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह के जनपद आगमन पर बस बजरंगी और बजरंगी का रहा जलवा। सुल्तानपुर जिले में पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश बजरंगी के द्वारा निकाली गई स्वागत रैली बस देखते ही बनी। भाजपा नेता ओम प्रकाश बजरंगी के कैंप कार्यालय तिकोनिया पार्क स्थित प्रातः से ही उनके समर्थकों की भीड़ आना प्रारंभ हुई तो फिर देर तक तांता लगा ही रहा। सैकड़ों समर्थकों के साथ भारी भरकम लाभ लश्कर के साथ गाजे बाजे और समर्थकों को लेकर भाजपा नेता श्री बजरंगी जब सभा स्थल आवास विकास ग्राउंड की तरफ निकले तो लोग बस देखते ही रहे। समर्थकों के द्वारा लगाए गए गगनचुंबी नारों से लोगों के कान बजने लगे। भाजपा नेता ओम प्रकाश बजरंगी ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह का जनपद की धरती पर आगमन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर गया। श्री बजरंगी ने कहा कि 2022 में भाजपा पुनः सरकार बनाने जा रही है क्योंकि विश्व में मात्र भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास में ही अपना हित समझती है। उक्त अवसर पर आनंद शुक्ला, शनि पांडे, संजय तिवारी, दीपक दुबे, पंकज दुबे सहित असंख्य समर्थकों में बस बजरंगी ही बजरंगी छाए रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए सैफ आलम की रिपोर्ट।